नमस्कार, आपके अपने चैनल गायत्री ज्योतिष केंद्र में मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित अनिल कोठारी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के तीन बहुत ही सरल उपाय। सबसे पहले थोड़ा कुछ शुक्र ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र ग्रह इस कलयुग में एक किसी भी व्यक्ति के लिए एक प्रमुख ग्रह है। शुक्र ग्रह का अनुकूल होना व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे तक लेके जाता है। वैसे देखा जाए तो शुक्र ग्रह को काम भोग विलासिता का ग्रह माना जाता है, जिसे आधुनिक भाषा में हम अय्याशी शब्द का इस्तेमाल कर कर भी पुकारते हैं। किंतु यह शुक्र ग्रह के नेगेटिव फल है, यानी कि नकारात्मक फल है। यानी कि शुक्र ग्रह यदि खराब स्थिति में होंगे तो व्यक्ति इन चीज़ों की ओर भागता है। किंतु शुक्र ग्रह का जो पॉजिटिव सकारात्मक फल है, वह फल यह है कि यदि शुक्र ग्रह आपके अनुकूल होंगे तो आपके घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहेंगी। आपको वह सुख समृद्धि से भर देंगे और आपको एक छोटे से स्तर से उठाकर एक ऊँचे स्तर तक ले जाकर प्रसिद्धि भी शुक्र ग्रह दिलाते हैं। इसके अलावा भी शुक्र ग्रह के कई अन्य फल हैं, कई अच्छे अच्छे फल हैं। इसका मैं पूर्व में एक वीडियो लेके आया हूँ और आगे को भी मैं लाते रहूँगा। किंतु यहाँ पर को आज हम बात करेंगे कि शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के बहुत तीन सरल उपाय कौन से हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानता है कि उसका शुक्र कैसा है, शुभ है अशुभ है। तो फल तो उसको प्राप्त ही होगा, पता ही होगा, क्योंकि गुरुजियों को हर कोई अपनी कुंडलियाँ दिखाते रहता है। तो गुरुजी लोग बताते हैं कि भाई आपका यह ग्रह वीक है, यह ग्रह आपका स्ट्रांग है। तो सीधे सीधे बात करते हैं कि शुक्र ग्रह के वह तीन सबसे सरल उपाय कौन से हैं। उपाय शुरू करने से पहले, कुछ लोग चैनल पर नए आए होंगे तो वह वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और यदि मेरी जानकारी उनको अच्छी लगेगी तो वह तब जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही कुछ न कुछ अच्छी और ऐसी जानकारी लेके आता हूं जो कि हर व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद हो। तो शुरू करते हैं जानकारी को। शुक्र ग्रह को कलयुग का सबसे बड़ा देवता गुरु माना गया है, क्योंकि कलयुग में पाप का प्रभाव है और यहाँ पर कुछ जितने भी पापी या अशुभ ग्रह हैं उनके जो गुरु देवता हैं वह शुक्र हैं। तो इसलिए शुक्र किसी की जन्म कुंडली में शुभ भी है अशुभ भी है तो उसे अवश्य ही उसको प्रसन्न करने के लिए यह उपाय करने चाहिए। तो उसमें पहला जो उपाय है मित्रों, वह यह है कि आप अपनी चौखट दरवाजे पे देली पे आप एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा गड़वा सकते हैं, या उसके चौखट पे ऊपर पे एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा आप लगा सकते हैं, जिससे कि शुक्र ग्रह का अगर अशुभ प्रभाव होगा वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और हमेशा ही आपके जीवन में कुछ न कुछ शुभ होगा और आपको आगे को ग्रोथ अवश्य ही प्राप्त होगी। और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वह भी शुक्र, क्योंकि कलयुग के सबसे बड़े देवता उनको माना गया है शास्त्र में। शुक्र नीति इसीलिए लिखी गई है, गुरु नीति आपने नहीं पढ़ी होगी लेकिन शुक्र नीति का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो जो दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय यह है कि हाथी के चारों पांवों की मिट्टी को आप अपने घर की चारों दिशाओं में रख सकते हैं। यह शुक्र के लिए बहुत बड़ा अचूक उपाय है, शास्त्र सम्मत उपाय है। इसमें हाथी के जो आगे के दो पांवों की मिट्टी है उसे पूर्व और उत्तर दिशा में आप रख सकते हैं, और जो पीछे की दो पांवों की मिट्टी है उसे दक्षिण और पश्चिम दिशा में आप घर के रख सकते हैं, जमीन में भी रख सकते हैं, टांग भी आप उसको सकते हैं। यह दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है मित्रों, बहुत सरल उपाय है, शुक्रवार के दिन किया जाने वाला उपाय है। शुक्रवार को एक दही के कटोरे में, क्योंकि शुक्र ग्रह का जो रंग वर्ण होता है वह सफ़ेद क्रीम कलर का होता है, दही के कटोरे में कुछ चावल मिलाकर और उसमें लाल रंग जिसे रोली जो हम टीका लगाते हैं उसको मिलाकर आप दक्षिण दिशा में पक्षियों के लिए छोड़ सकते हैं, या उसके अलावा अगर ऐसा नहीं होता है संभव तो किसी सफ़ेद रंग के फूल के वृक्ष में भी के जड़ में भी आप उसको छोड़ सकते हैं, जिसमें सफ़ेद रंग का गुलाब या किसी भी प्रकार का कोई फूल आए। इसके अलावा यह चीज़ भी नहीं होती है तो पॉपुलर यानी कि जिस पेड़ से दूध नुमा कोई पदार्थ निकलता है उसकी जड़ में भी आप शुक्रवार को इसको छोड़ सकते हैं। इस उपाय को आप लगातार कुछ समय तक कर सकते हैं। पूर्व के जो दो उपाय हैं वह एक ही बार किए जाते हैं। तो यह उपाय शास्त्र में का वर्णन था, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया कि शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। आपके जन्म कुंडल में शुक्र कितनी ही अच्छी स्थिति में हो, सब कुछ आपको प्राप्त है लेकिन सुख प्राप्त नहीं होगा। तो अगर यदि आपको सुख चाहिए तो आपको यह उपाय करने ही चाहिए। अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है तो आपका जीवन तो दुखों से ही भरा होगा, तो तब भी आपको यह उपाय करने चाहिए। तो यही थी आज की जानकारी।
तो जानकारी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और जानकारी अच्छी लगे तो इसको वीडियो को लाइक करिएगा और आगे बढ़ाकर शेयर कर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास आप अवश्य ही करिएगा। देखिए, दूसरे की भलाई में ही अपनी भलाई छिपी हुई होती है। हम किसी का भला करेंगे तो संभवतः ईश्वर भी हमारा भला करेगा। एक मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, आज यदि हम किसी की गाड़ी में धक्का लगाएंगे तो संभवतः नहीं कि कल ही हमारी गाड़ी ख़राब हो। एक साल बाद यदि हमारी गाड़ी ख़राब होगी तो कोई ना कोई हमें भी धक्का लगाने वाला ज़रूर मिलेगा। यही भलाई का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। तो यही जानकारी थी, तो ऐसी जानकारी मैं के साथ मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।